राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के शिक्षकों का आह्वान किया कि वे तनाव मुक्त, नशा मुक्त और नारी के प्रति सम्मान के संस्कारों को सिखाने के साथ युवा पीढ़ी को आदर्श जीवन जीने की राह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में युवाओं में श्रेष्ठ नागरिकों के गुणों के भाव बचपन से ही पैदा करने होंगे, ताकि युवा पीढ़ी अच्छे बुरे और सही गलत का अर्थ समझ सके, राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार हो सके। स्पीकर देवनानी ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है और विकास का मूल आधार भी शिक्षा है। शिक्षक दिवस पर मैं प्रदेश के अपने शिक्षक भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में मानव जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। आज भारत में श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि भारत में कोई जन्म लेता है तो माना जाता है उसको गुरु पद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भारत आज भी संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत के अंदर हम शिक्षक दिवस रूप में मनाते आ रहे हैं। यह दिन शिक्षकों के प्रति जहाँ सम्मान का भाव प्रकट करता है, वह आभार प्रकट करने का भी दिन है। इसलिए शिक्षक केवल किताबी शिक्षा नहीं देते, लेकिन साथ में बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। बालक आजीविका के लिए तो तैयार होता ही है, लेकिन साथ में एक संस्कारवान बनकर के एक अच्छा नागरिक बने, जिसमें रामायण में भी आज मर्यादा पुरुषोत्तम का जब जिक्र आता है, तो मैं समझता हूँ कि उनका जीवन हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी है। अतः नैतिकता, संस्कार और जीवन कैसे जिया जाए और इसका एक सही दिशा देने वाला अध्यापक ही होता है। आज सारे मेरे अध्यापकों से निवेदन है कि वे इस भविष्य की युवा पीढ़ी जो भारत का कल का नहीं आज का नागरिक है, उसको अपना पथ प्रदर्शक, उसका पथ